क्वेश्चंस लेक्चर 5, तीन चैप्टर्स के नाम यहां लिखे हुए हैं। पहला चैप्टर है डिफरेंशिएशन, दूसरा है क्वाड्रेटिक्स, तीसरा नेचुरली फंक्शन इटसेल्फ। इसमें जो एक्सरसाइज है वो फंक्शंस की एक एक्सरसाइज थी, सॉरी डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज थी। तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज एफ के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें शायद हेडिंग है प्लस माइनस स्लोप, इस तरह करके उसकी हेडिंग दी हुई है। तो जितने क्वेश्चंस लगे हुए हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसका वहां सिर्फ एक पार्ट लगा हुआ होगा, बाकी पार्ट टाइप टू फंक्शन में लगा होगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने एक सब हेडिंग दी है स्लोप, कर्व्स एंड डिफरेंशिएशन dy/dx। सबसे पहला मैं एक काम करता हूं कि मैंने एक क्वाड्रेटिक कर्व ड्रॉ किया मिनिमम वाला, एक और क्वाड्रेटिक कर्व ड्रॉ किया मैक्सिमम वाला। ये जो दो क्वाड्रेटिक कर्व्स मैंने ड्रॉ किए, मैं दो किस्म की लाइनें ड्रॉ करूंगा, दो किस्म के टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। जो ग्रीन वाला है वो, सॉरी ब्लू वाला जो है वो पॉजिटिव के लिए है, ब्लू वाला पॉजिटिव के लिए है, और एक और कलर मैं इस्तेमाल करूंगा फॉर द नेगेटिव स्लोप। मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है टर्निंग पॉइंट का, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूं, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है टर्निंग पॉइंट का उसको मैंने लेबल कर दिया है ए, और इसका सिंबॉलिकली मैंने लेबल कर दिया है बी। जो ब्लू लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव स्लोप, दूसरी ब्लू लाइन भी दैट रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव स्लोप। पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक ग्राफ है, इस क्वाड्रेटिक ग्राफ में इफ आई गो टू द राइट ऑफ टर्निंग पॉइंट, यानी के एक्स इज ग्रेटर देन ए, द स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पॉजिटिव। जितने भी हजारों लाखों टेंजेंट बना लो, यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि अभी भी बात हो रही है पॉजिटिव स्लोप की, लेकिन पॉजिटिव स्लोप जो है दैट इज लेफ्ट ऑफ टर्निंग पॉइंट, यानी एक्स इज लेसर देन बी, तो तब पॉजिटिव स्लोप है। मेक सेंस? आराम से समझिएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा सिवाय इसके कि दो ग्राफ्स बनाए, दो मशहूर कैटेगरी के ग्राफ से, एक हो गया क्वाड्रेटिक और अगले पेज में बनेगा क्यूबिक। ब्लू लाइन इज फॉर अ पॉजिटिव स्लोप। सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आंखों से देखकर जब आप टर्निंग पॉइंट के सीधे हाथ पे जाएंगे फॉर अ मिनिमम कर्व। एक और चीज भी लिख दूं, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है, देयरफॉर ग्राफ इज दैट ऑफ अ मिनिमा, मिनिमम पॉइंट यानी कि मिनिमा। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है, therefore graph is that of a maxima। और अभी जो चीजें मैं आपको conceptually समझा रहा हूं वो टैली करेंगी किसके साथ, हमारी कैलकुलेशन के साथ। अभी conceptually बात हो रही है। Now let me choose another color, purple उठा लेता हूं, और ये मैंने एक और tangent draw किया और यहां पे ये वाला tangent draw किया। जैसे मैंने जुमला लिखा था आप पॉजिटिव स्लोप के लिए, ये है नेगेटिव स्लोप, ये ब्लू वाला भी है नेगेटिव, सॉरी पर्पल के लिए लिख रहा हूं, पर्पल वाला भी जो है वो नेगेटिव स्लोप है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं नेगेटिव स्लोप इस तरह के कर्व में लेफ्ट ऑफ टर्निंग पॉइंट है, यानी एक्स इज लेसर देन ए। फिर से यहां लिख रहा हूं नेगेटिव स्लोप जो है वो राइट ऑफ टर्निंग पॉइंट है, एंड दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन बी। सही है? अब ये चीज आपको नजर आ गई है क्वाड्रेटिक के कॉन्टेक्स्ट में। अब एक और मैं काम करता हूं, क्यूबिक हम लोग जरा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं समझे दो ग्राफ्स बना देता हूं क्यूबिक के। एक ग्राफ जो है वो कुछ यूं करके बन गया ब्लू, समथिंग लाइक दिस, और दूसरा जो ग्राफ है
दैट इज समथिंग लाइक दिस. सब एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं दोनों ग्राफ में क्या फर्क है. जो पहला वाला ग्राफ है इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो है वो पॉजिटिव है. तो मैं ग्राफ्स ड्रॉ कर रहा हूं क्यूबिक फंक्शन के, क्यूबिक इक्वेशन कहें क्यूबिक फंक्शन कहें, फॉर आवर पर्पसेस इट मींस द सेम थिंग. और यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो है वो नेगेटिव है. जब हम लोग ये वाला ग्राफ देखते हैं ये टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट जाएगा, एरो नहीं बना हुआ है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ सफर कर रहे हैं या थर्ड से फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं. लेकिन अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब नेगेटिव है तो ये टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ जाएगा. ये एक तरीका होता है ड्रॉ करने का. जैसे क्वाड्रेटिक में क्या देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो हैप्पी फेस, नेगेटिव है तो सैड फेस. यहां पे क्या देखेंगे, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट या टॉप लेफ्ट बॉटम राइट. अब दूसरी चीज मैं लेबल करता हूं, वो दूसरी चीज ये है कि यहां पे मैं दो कोऑर्डिनेट्स को लेबल, दो टर्निंग पॉइंट्स लेबल कर रहा हूं. एक ये है एक ये है, इसका नाम मैंने सी रखा है, ठीक है, और इसका नाम मैंने डी रख दिया. यहां पर भी मैं दो को लेबल कर रहा हूं, एक का नाम मैंने Q रखा है और एक का नाम मैंने R रखा है. यहां तक सही. अब पिछले वाले स्टैंडर्ड को ही फॉलो करते हैं. ब्लू इज पॉजिटिव ग्रेडियंट एंड पर्पल इज नेगेटिव ग्रेडियंट. तो अगर मैं ब्लू की बात करता हूं कि पॉजिटिव ग्रेडियंट कहां कहां है, तो मुझे इस हिस्से में पॉजिटिव नजर आ रहा है और मुझे इस हिस्से में पॉजिटिव नजर आ रहा है. और अगर इस वाले ग्राफ की बात करूंगा तो मुझे यहां इस वाले हिस्से में पॉजिटिव नजर आ रहा है. फर्क नजर आ गया. अगर मैं पर्पल की बात करूंगा मुझे इस हिस्से में नेगेटिव नजर आ रहा है, मुझे इस हिस्से में नेगेटिव नजर आ रहा है, मुझे इस हिस्से में नेगेटिव नजर आ रहा है. यहां तक सही है. अच्छा, अब मैं यहां लिख रहा हूं इसका यानी एनालिसिस. तो एक थिक सी लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूं और यहां पर भी एक ड्रॉ कर देता हूं. अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप वर्सेस नेगेटिव स्लोप, और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब नेगेटिव है, पॉजिटिव स्लोप वर्सेस नेगेटिव स्लोप. अच्छा जी, ऊपर वाले में आ जाए. कौन से हिस्से में इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी स्लोप पॉजिटिव है? इन अदर वर्ड्स लेट मी रिफाइन माय क्वेश्चन. व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द ग्राफ हैज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट? आप क्या कहेंगे, डी के सीधे हाथ पे और सी के उल्टे हाथ पे. तो डी का सीधा हाथ इज एक्स इज ग्रेटर देन डी और सी का उल्टा हाथ इज एक्स इज लेसर देन सी. सिर्फ आंखों से देख रहे हैं और लिख रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है. और नेगेटिव कहां है, एक्स लाइज बिटवीन सी एंड डी बाय द सेम स्टैंडर्ड. अब यहां क्यू और आर की जबान में बात कर रहे हैं. जब पॉजिटिव है वो ब्लू लाइन है तो इस मर्तबा एक्स लाइज बिटवीन क्यू एंड आर, और वो दो अलग अलग आ गए, एक्स इज ग्रेटर देन आर एंड एक्स इज लेसर देन क्यू. याद तक सही है. अब मैं इन्वॉल्व करता हूं डिफरेंसिएशन को. अब जब मैं डिफरेंसिएशन की बात करूंगा तो डिफरेंसिएशन इज ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. जब हम बात करेंगे पॉजिटिव स्लोप की, दैट मींस डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. इक्वल नहीं बोलूंगा, इक्वल में तो काम खत्म हो जाएगा. पॉजिटिव ग्रेडियंट, पॉजिटिव स्लोप मींस डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. नेगेटिव स्लोप मींस डी वाई बाई डी एक्स इज लेसर देन जीरो. जब ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, और जब ग्रेडियंट नेगेटिव होता है उसको कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन.
इंक्रीजिंग से आसान लफ्जों में आप समझ ले डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, डिक्रीजिंग से आसान लफ्जों में समझ ले इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप, एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव। ठीक है, यानी आपका जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव है। जीरो की बात नहीं कर रहे, जीरो की बात हमने बहुत कर ली स्टेशनरी पॉइंट्स पे, अब हम बात करेंगे पॉजिटिव की, अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। अब ये जो कुछ समझाया है इसके अब हम पास पेपर के क्वेश्चन में जाते हैं। ये वो एक्सरसाइज है जो कि डिफरेंशिएशन में से आप ट्राई करेंगे। डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज एफ, पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप, दिस इज द पेज नंबर। और यहां से मैंने क्वेश्चंस उठाए जो अब आपके सामने एक एक करके आते जाएंगे, तकरीबन 11-12 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ लें और फिर मैं इसकी वर्किंग स्टार्ट करता हूं। डी वाई बाई डी एक्स इज 3x² - 4x + 1, द कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट 1,5। इसका पार्ट वन मिसिंग है, कैन यू गेस व्हाट इज पार्ट वन? बहुत अच्छे, इक्वेशन ऑफ द कर्व, एक्स डालेंगे वाई डालेंगे सी मिल जाएगा, कहानी खत्म। अब यहां पर जो डेरिवेटिव है, अब गौर से सुनिएगा, यहां पे डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब है ओरिजिनल इक्वेशन क्यूबिक थी, सही है। अब सवाल क्या कर रहा है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ये रेंज की जगह सेट ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल करता है। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। अब इसने इंक्रीजिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मतलब वही था, तो ये कह सकता था इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स। तो आप कहेंगे इंक्रीजिंग के लिए डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। मैं अपनी तरफ से ऐसे ही डाल दूं, हो सकता है अगर ये डिक्रीजिंग पूछता तो मैं कहता डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो। अच्छा जी, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसको मैं एक मरतबा फैक्टराइज कर लूं, क्योंकि किस टाइप की इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक। और इनइक्वालिटी कैसे बनेगी, क्वाड्रेटिक। तो इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक बनेगी तो स्केच करना जरूरी है, फैक्टराइज फॉर्म जरूरी है। सो देयरफॉर दिस इज 3x² - 3x - x + 1, दैट इज 3xx - 1 - 1x - 1, देयरफॉर दिस इज x - 1 एंड दिस इज 3x - 1। सो फार सो गुड। अब मैं यहां लिख रहा हूं x - 1, 3x - 1 इज ग्रेटर देन 0, x - 1, 3x - 1 इज लेसर देन 0। सिंपल सा स्केच बनाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने कर्व ड्रॉ करना है, यूं करके एक कर्व आ गया, यूं करके एक कर्व आ गया। आपने रूट्स मार्क करने हैं, तो रूट्स क्या आ गए, छोटा रूट है 1/3, डबल चेक कर ले, बड़ा 1, छोटा 1/3, बड़ा 1। उसके बाद मैंने इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर है, इसका मतलब है ये हिस्सा और ये हिस्सा। डिक्रीजिंग के लिए लेसर है, इसका मतलब है ये हिस्सा। कहानी सिर्फ ये है कि दो अलग हिस्से, दो अलग इनइक्वालिटी। सो देयरफॉर एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स इज लेसर देन 1/3, और यहां पे एक्स लाइज बिटवीन 1/3 एंड 1, सही है। अब गौर से सुनिएगा, जो आपको डायग्राम्स बताए, अगर ओरिजिनल इक्वेशन क्यूबिक है तो डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक है, मेक सेंस। अगर ओरिजिनल इक्वेशन क्यूबिक है सो देर आर मैक्सिमम ऑफ 2 टर्निंग पॉइंट्स। अब आ जाएं इसके ऊपर कि जो अभी आपने ग्राफ बनाया, क्या आपके मतलब का ये है टॉप वन या बॉटम वन? टॉप वन। हाउ डू यू नो? इसने के एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, इंटीग्रेट करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। इट्स गोना स्टार्ट फ्रॉम द टॉप राइट, गो टुवर्ड्स द बॉटम लेफ्ट। और अब देखें असल चीज देखने वाली क्या है, असल चीज देखने वाली यह है कि पॉजिटिव स्लोप के लिए दो अलग आंसर्स आ रहे हैं और नेगेटिव स्लोप के लिए एक आंसर आ रहा है। जो चीज, जो सच्चाई ग्राफ के अंदर है वही सच्चाई यहां पर भी है। दो अलग आंसर पॉजिटिव स्लोप, एक सिंगल आंसर नेगेटिव स्लोप। अब यहां पे एक सवाल आपके जहन में आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो मुझे अफसोस है कि आना चाहिए था, वो ये था कि सर वहां तो आपने क्यूबिक बनाया और यहां पे क्वाड्रेटिक कैसे आ गया? है ऑब्वियस सी बात, लेकिन आता है ये सवाल इसलिए कि वो ओरिजिनल ग्राफ था, ये डेरिवेटिव का ग्राफ है।
मेक सेंस? ये बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, अभी तो आपने क्यूबिक समझाया, तो ये क्वाड्रेटिक कैसे आ गया? इसलिए कि ये ग्राफ किस चीज़ का है? dy by dx का. ये तो dy by dx की inequality solve करने के लिए मैंने बनाया. I never claimed that this is the graph of the original. हाँ, अगर आप वो ग्राफ ओरिजिनल का बनाते और उसके टर्निंग पॉइंट से ग्राफ से देखकर आंसर निकालते, वो आंसर एग्जैक्टली डिक्टो कॉपी यही होता. कहानी समझ में आ गई? अगले पार्ट पे. अब ओरिजिनल किस तरह की इक्वेशन है? तो डेरिवेटिव क्या होगा? लीनियर. सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4. dy by dx is 2x minus 3. इसने कहा find the set of values for which the function is a decreasing function. So therefore dy by dx is less than 0. ये तो एक मार्क का सवाल है. So therefore 2x minus 3 is less than 0. x is lesser than 3 over 2. अब गौर से देख ले. What is the coefficient of x square? Positive. Answer क्या आया? One-sided. किस तरफ answer आ रहा है? Left of turning point. अब original पे फिर से चले जाएं. Coefficient of x square is positive, ऊपर वाला, और gradient is negative. Gradient is negative, that is left of turning point. ये रहा left of turning point is x is lesser than or equal to, sorry, not lesser than or equal to, सिर्फ lesser than है. सही है. अच्छा जी, अब हम लोग बार बार ग्राफ पे नहीं जाएंगे, ये आपको यकीन दिलाने का मकसद था. अब हम इससे आगे की कहानियां स्टार्ट करेंगे. अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3. A function is defined by fx equals to 2x minus 3, the whole thing cube minus 8, and the domain lies between 2 and 4. यहां तक सही? अब क्या चाह रहे? Find an expression for f prime x. अच्छा, examiner को यह शिकायत रहती है कि लोग f inverse और f prime को mix करते हैं. I hope आप लोगों से उसको यह शिकायत ना हो. f prime derivative है, f inverse inverse function है. अब यहां ये कह रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए? एफ प्राइम. अच्छा, और ये एक ही क्वेश्चन में दोनों भी मांगता है. ठीक है, यहां पर आपने 3 नीचे उतारा, 2x माइनस 3 पावर 2 हो गया. डिफरेंशिएशन पूरी हो गई? नहीं. डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट इज 2 और 8 का डेरिवेटिव 0. सो देयरफॉर दिस इज 6 2x माइनस 3 द होल थिंग स्क्वायर. मैं काम करता हूं, यहां पर भी अगले पेज पे मैं लिख देता हूं 6 2x minus 3 the whole thing square. क्यों लिखा? थोड़ी देर में समझाता हूं. Find an expression, done, show that f is an increasing function. आगे का जुमला इसने लिखा नहीं, लेकिन it's common sense, is increasing function for this domain. वरना वो domain नहीं देता. अब यहां पे आपके पास दो रास्ते हैं. या तो आप original cubic draw कर लें, लेकिन आप उतनी depth में पढ़ते नहीं है. draw करने को कर सकते हैं, लेकिन फिर 2 और 4 के लिए थोड़ा सा ग्राफिकल ज्यादा काम हो जाएगा. एग्जामिनर चाहता है आप डिफरेंशिएशन से यह साबित करें. अब मुझे यह साबित करना है कि यह जो पूरा हिस्सा है, यह इंक्रीजिंग होने के लिए जो मेरा डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होना चाहिए. यही मतलब है. अब यहां से हम जरा बातें बातें करेंगे. फिर से सुन ले मैं क्या बोल रहा हूं. वो चाह रहे हैं प्रूव दैट इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर दिस डोमेन. सही है, यानी मुझे बात करनी है फंक्शन की, लेकिन फैसला करेगा डेरिवेटिव. जो फैसला करेगा डेरिवेटिव वो क्या निकलना चाहिए? पॉजिटिव. आपके ख्याल में मैं इसको कैसे साबित करूं कि ये पॉजिटिव है? मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूं, और मेरे ख्याल से दैट शुड से इट ऑल. स्केच द क्वाड्रेटिक ग्राफ. It's not the whole story, but at least part of the story. क्या मैं इसको स्केच कर सकता हूं? कौन से फॉर्मेट में? पक्का पक्का कंप्लीटेड है? कुछ अभी तशनगी रह गई है. ठीक है, the coefficient of x is not 1. सही है. So therefore, आप सबसे पहले लिखेंगे 6 bracket 2 common x minus 3 over 2 bracket बंद square. That is 6 into 4 into x minus 3 over 2 whole square. और यहां जानते बूझते मैं 0 लिख रहा हूं, और नीचे मैं लिख रहा हूं a, ये पूरा a हो गया, x minus h whole square plus k. इसका मतलब है शक्ल ये बनेगी, और आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो 3 over 2 comma 0. जब k की वैल्यू 0 है
तो इसका क्या मतलब है कि ग्राफ किसी चीज़ को टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को। हमेशा याद रखे, कॉमन सेंस की बात है, बट पी वन है। दिस थिंग इज व्हेनेवर के इज जीरो, इसका मतलब है एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू द कर्व, क्वाड्रेटिक कर्व दैट इज। ठीक है, मैं लिख देता हूं। इसका मतलब यह है कि मैंने छोटा सा स्केच बनाया, वाई खींचा, एक्स खींचा, और उसके बाद जो है वो मैंने इसको ड्रॉ किया समथिंग लाइक दिस, उसको जरा सा नीचे चिपका दिया, डन हो गया। अच्छा जी, इट्स नॉट ओवर येट। ये है आपका 3/2, यहां कहीं आपका 2 है, इट्स नॉट ड्रॉन टू स्केल। यहां मैं 2 बना देता हूं और यहां अंदाजे से मैंने 4 बना दिया। ये ग्राफ किस चीज का है, फिर से मैं सवाल पूछ रहा हूं, जो मैंने बनाया वो किस चीज का है, क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक जो था वो एफ प्राइम एक्स था। फैसला कौन कर रहा है? डेरिवेटिव। यहां पे ओरिजिनल क्या था? क्यूबिक। डेरिवेटिव क्या है? क्वाड्रेटिक। अब इस डायग्राम से मैं कैसे बताऊं कि ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा? बहुत आसान। देखें, 3/2 पे जीरो है, 2 पे डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, 4 पे डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। तो आप थोड़े सी इंग्लिश लिखेंगे, आप कहेंगे फॉर द डोमेन x lies between 2 and 4, f prime x is always positive। अब चूंकि आपने ग्राफ बना दिया, नेचुरली एग्जामिनर भी इतना अकलमंद है कि वो ग्राफ से ही पढ़ेगा। चूंकि f prime x पॉजिटिव है, therefore द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये वाला हिस्सा लोगों को मुश्किल इससे लगता है क्योंकि इसमें इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पूरा एसे और समरी आ जाती है। जब आपका ग्राफ बनेगा वो वाई प्राइम की वैल्यू, एफ प्राइम की वैल्यू जीरो है, 2 पे ग्राफ से नजर आ रहा है पॉजिटिव है, 4 पे ग्राफ से नजर आ रहा है पॉजिटिव है, दोनों के दरमियान पॉजिटिव है, इसका मतलब है द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। फैसला करेगा डेरिवेटिव। क्लियर? दिस इज मेथड नंबर 1। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 2 में। वो जरूरी हो जाता है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। इस मेथड का नाम है PSAE, परफेक्ट स्क्वेयर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अंदर लीनियर है, बाहर स्क्वेयर है। इसकी हार्ड एंड फास्ट रूल प्रॉपर्टी होती है, या तो ये पॉजिटिव होगा या सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू के लिए जीरो होगा। मिसाल, 2-3 मिसालें देखें। एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, बहुत ही सिंपल मिसाल है। कौन सी वैल्यू के लिए जीरो होगा? जब अंदर जीरो होगा। अंदर जीरो कब होगा? व्हेन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर एक्स इज 1। एक्स इज इक्वल्स टू 1 के लिए पूरा एक्सप्रेशन जीरो। बाकी जितनी वैल्यूज है, फॉर ऑल other values this will be positive। सही कहा मैंने? दूसरी example, 2x-3 the whole thing square, क्या इस पे भी applicable है? Yes, it's a linear expression। किस पे zero होगा? Zero when बोले 2x-3 equals to 0, x is 3/2, therefore for all other values इट वुड बी पॉजिटिव। सही है। अब आ जाए हमारे क्वेश्चन पे। 6 (2x-3) होल स्क्वायर, इत्तेफाक की बात है, मैंने वही लिए। ये जीरो तो हो रहा है, लेकिन जिस वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ डोमेन x lies between 2 and 4। ये इसका हिस्सा नहीं है। हो तो रहा है जीरो, मगर ये
3 over 2 उस डोमेन का हिस्सा नहीं है, चूंकि उसका हिस्सा नहीं है, therefore f prime x will always be positive, therefore f x will always be an increasing function. सही है. अब ये method 2 बहुत ज्यादा long lasting है. अभी examples आएंगी जहां method 1 applicable ही नहीं होगा. क्यों नहीं होगा उसकी reason अभी देखते हैं. ये आ गई एग्जाम्पल. अच्छा, ये क्वेश्चन जो है मैंने दो जगह पे पेस किए. ये क्वेश्चन 5 मैंने डिफरेंशिएशन से उठाया और ये क्वेश्चन 6 एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, ये मैंने टाइप 2 फंक्शन से उठाया बिकॉज दैट्स अ फुल फ्लेज क्वेश्चन. और ये जो क्वेश्चन इतना हिस्सा लगा था वो सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए. तो पहले हम इस चीज को देख लेते हैं. इसने कहा द डायग्राम शोज द ग्राफ एफ एक्स equals to 6 bracket 2x plus 3 raised to power of minus 1 x is greater than or equal to 0. सही है. अब ये जो है मैं इसको differentiate करता हूं f prime x according to chain rule. ये 6 है, ये minus 1 है, ये 2x plus 3 है, ये minus 2 हो गया. derivative of bracket is 2. double check कर लें, कोई चीज miss तो नहीं किए. पहले का कांस्टेंट पावर, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट और पावर को रिड्यूस करना. दिस बॉइल्स डाउन टू माइनस 12 ओवर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर. अब एक कंसेप्चुअल सवाल करता हूं, इज दिस क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक होने के लिए उसका न्यूमरेटर में भी होना जरूरी है. ये क्वाड्रेटिक नहीं है. क्वाड्रेटिक जैसा है, क्वाड्रेटिक नहीं है. अगर ये न्यूमरेटर में मौजूद था बिल्कुल क्वाड्रेटिक होता, मैं क्वाड्रेटिक से स्केच कर लेता. ये क्वाड्रेटिक नहीं है. तो पहली चीज, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन या फंक्शन, देयरफॉर कांट स्केच इट. तो वो वाला मेथड तो गया. कौन सा मेथड बचा? PSAE. ये जो हिस्सा है ये या पॉजिटिव होगा या जीरो होगा. जीरो कब होगा? व्हेन 2x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो, x इज माइनस 3 ओवर 2. नॉट, ये सारे इंग्लिश लिखनी है, नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन. कौन सा डोमेन था? x लाइज बिटवीन 2 एंड 4. अच्छा, ये जीरो वाला है, ग्रेटर है, ठीक है. ये वाला दूसरी चीज था. सो दिस इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. ये इस डोमेन का हिस्सा नहीं है. हो गई बात. इसका मतलब है फॉर ऑल अदर वैल्यूज दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव. लेकिन क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन हाउ योर आंसर शोज दैट एफ इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. ये बेचारा तो पॉजिटिव है लेकिन कौन मसले कर रहा है? माइनस 12. So therefore, f prime x is negative 12 over a positive value, which is negative. Therefore, the original function is decreasing. इसकी इंग्लिश पूरी सुन ले, लिखेंगे क्या? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एसे और मैथ. सबसे पहले आप लिखेंगे, तीन मार्क का सवाल है. नंबर वन, एक तो आपने फाइंड एन एक्सप्रेशन कर लिया, उसका एक मार्क मिल गया. आप लिखेंगे परफेक्ट स्क्वेयर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मैं डिक्टेट करा रहा हूं, आप लोग घर में उसको लिखिएगा. परफेक्ट स्क्वेयर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी पॉजिटिव और जीरो, नॉट नेगेटिव. इट विल बी जीरो व्हेन एक्स इज माइनस 3 ओवर 2, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस डोमेन. देयरफॉर फॉर ऑल अदर वैल्यूज इट विल बी पॉजिटिव. बट बिकॉज ऑफ माइनस 12, जरूरी नहीं आप ये एक्सप्रेशन लिखें, आप अल्फाज में ही लिख दें, बट बिकॉज ऑफ माइनस 12 दिस बिकम्स नेगेटिव, देयरफॉर द फंक्शन बिकम्स डिक्रीजिंग. सही है. अच्छा जी, अब इसके अंदर बाकी हिस्सा भी करते हैं. डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कर लिया, अब बाकी हिस्से में आए. मेरा दूसरा कंसेप्चुअल सवाल, क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा? हम अंदाजे पे नहीं जाएंगे, हम इस पे नहीं जाएंगे कि आंखों से तो करीब पहुंचता हुआ लग रहा है, पहुंच ही जाएगा. ये तो वही सम टू इन्फिनिटी वाली बात हो गई.
पहुंचेगा या नहीं कैसे चेक कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल, आपका फंक्शन है 6/2x+3। जब मैं इसमें जीरो डालूंगा तो 6/3 दैट कम्स आउट टू बी 2। तो ये तो मैंने एक वैल्यू निकाली 0.2, ये भी बाद में काम में आएगी। और अगर मैं कहूं fx इज जीरो, दैट मीन 6/2x+3 इज जीरो, देयरफॉर 6 इज जीरो, दैट्स अ नोबेल प्राइज नॉमिनेशन फॉर मैथ। हाउ कैन 6 बी इक्वल्स टू जीरो? इसका मतलब है वेरिएबल गॉन। अगर वेरिएबल गॉन, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। असूल याद रखेगा, P3 में ऐसे बहुत टकराएंगे। वेरिएबल ही गायब हो गया, इसका मतलब है सॉल्यूशन नहीं है। किस चीज का सॉल्यूशन नहीं है? हम एक्स इंटरसेप्ट ढूंढ रहे थे, इसका मतलब है देयर इज नो एक्स इंटरसेप्ट। यहां तक सही है? अच्छा, अगर मैं फंक्शन का सिंबल इस्तेमाल करूं और मैं कहूं इसकी डोमेन है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसकी रेंज क्या है? कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। कहां तक जा रहा है? 0 तक। 2 इंक्लूसिव है, 0 एक्सक्लूसिव है। सो देयरफॉर fx लाइज बिटवीन 0 एंड 2। लुक एट द इनइक्वालिटीज। fx इज ग्रेटर देन 0, fx इज लेसर देन और इक्वल टू 2, fx लाइज बिटवीन 0 एंड 2। हो गया। अब अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फ्लिप फ्लॉप, वो तो नो बिग डील है। और क्या चाहिए? और इसको चाहिए, ये जो आखिरी पार्ट है वो तो कुछ और था, उसका एक हिस्सा कटा हुआ है मेरे ख्याल से। कॉपी द डायग्राम एंड ऑन योर कॉपी स्केच द ग्राफ ऑफ इनवर्स मेकिंग क्लियर द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्राफ्स। क्या करूं, क्या ड्रॉ करूं? सबसे पहले y इक्वल्स टू x 45 डिग्रीज, पहला काम हो गया y इक्वल्स टू x। दूसरा काम, 0-2 को कन्वर्ट कर दे, फ्लिप कर दे 2-0। तीसरा किस चीज का ख्याल रखना है? जब वो तो इंटरसेक्शन का, बिल्कुल सही कहा, तीसरा मैंने ये मार्क कर दिया, फिर चौथा पॉइंट आ गया। चौथा किस चीज का ख्याल रखना है? जब ये एक्स एक्सिस के करीब पहुंच के टच नहीं कर रहा तो वो वाई एक्सिस के करीब पहुंच के टच नहीं करेगा। सो देयरफॉर द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। ये वाला ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू f इनवर्स x, इंटरसेक्शन भी बता दिया, सारी चीजें आपने पूरी कर, सही है? ये डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब एक और टाइप का क्वेश्चन देखें, पढ़ लें इसको। dy बाई dx मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दैट इज 9x² - 12x+4। अब क्या कह रहे हैं? शो दैट द ग्रेडियंट इज नेवर नेगेटिव। नेगेटिव का उलट क्या क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। इन अदर वर्ड्स व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग मी इज दैट प्रूव दैट द ग्रेडियंट कुड बी पॉजिटिव, ग्रेडियंट कुड बी जीरो। यहां तक सही है? अब मैं इसको क्या करूं, किस फॉर्मेट में लाऊं? सारा गेम अभी किस चीज का हो रहा था? PSAE, तो कंप्लीटेड स्क्वायर में ले आते। दिस इज 9, दिस इज x² - 12x/9+4/9, दिस इज 9x² - 4/3x प्लस (\2)-(\2)+4/9। व्हाट गोज इनसाइड द ब्रैकेट? -(2/3), -(2/3), सही है? देयरफॉर दिस इज 9 x - 2/3 whole square, यहां से बचा -4/9, यहां से बचा +4/9, सो देयरफॉर दिस इज 9x - 2/3 whole square + 0। पहले क्वेश्चन, वो जो क्यूबिक वाला क्वेश्चन है, वैसे हो गया, इट्स गोना बी टेंजेंट इन द एक्स एक्सिस, आपकी मर्जी आप उससे करें। मैं सीधा सीधा PSAE से कर लूंगा, दैट्स अ हार्ड एंड फास्ट इजी मेथड। मैं लिखूंगा या तो ये पॉजिटिव होगा या ये जीरो होगा, PSAE। क्या लिखेंगे इंग्लिश में? परफेक्ट स्क्वायर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुड ईदर टर्न आउट टू बी पॉजिटिव और जीरो। इन अदर वर्ड्स, इट विल नेवर बी नेगेटिव। अब देखिए, यहां पे डोमेन नहीं दी थी, इसका मतलब है आजाद है हर वैल्यू के लिए। रियल नंबर्स के लिए तो है ये, इमेजिनरी थोड़ी पड़ है।
तो उसके लिए या तो ये पॉजिटिव होगा या ये जीरो होगा, जो भी होगा क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब इसी का एक वर्जन अप, समथिंग लाइक दिस, क्वेश्चन आप पढ़ लें, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। दैट इज 3 2x - 5 रेस टू पावर ऑफ 2, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट इज 2, मगर भूलिएगा नहीं x का डेरिवेटिव 1 है। हर एक में हल्का हल्का ट्विस्ट डाल रहे। अब ट्विस्ट क्या है, अब ये कह रहे हैं शो दैट f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और सारी आजाद वैल्यूज के लिए। अब मसला ये है कि ये वाली चीज तो या पॉजिटिव होती है या जीरो होती है। अगर ये जीरो हो रही है बट बिकॉज ऑफ द प्लस वन इट विल बिकम पॉजिटिव, वन ही बनेगा लेकिन पॉजिटिव तो है ना, और अगर ये पॉजिटिव हो रही है वन ऐड करके फिर भी पॉजिटिव बनेगा। सो इन एनी केस पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रेडियंट मींस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सही है, आई थिंक डिफरेंशिएशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये। अच्छा जी, एक और पर आए। अब जरा दूसरे अंदाज से इसने पूछा, डिटरमिन वेदर, मैं इसको y कह देता हूं, लेट y इज इक्वल्स टू 3x³ - 6x² + 5x - 12। क्या ये इंक्रीजिंग है, क्या ये डिक्रीजिंग है, क्या ये नीदर है, इन दोनों में से कोई भी नहीं है। ऐसी भी एग्जाम्पल आएगी जब आप होमवर्क करेंगे। dy by dx, दैट इज 9x² - 12x + 5, पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता है, पिछले के पिछले से। इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, 9 कॉमन लिया, x² - 4/3x + 5/9, दिस इज 9x² - 4/3x + ((()) - ((()) + 5/9। व्हाट गोज इनसाइड द ब्रैकेट, -(2/3), -(2/3). सो देयरफॉर दिस इज 9x - 2/3 होल स्क्वायर - ((()) - ((()) - ((()) + 5/9। इस मरतबा जीरो नहीं हुआ। सो देयरफॉर यहां पे जब मैं डिवाइड करूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 9x - 2/3 होल स्क्वायर + 1। 9 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। मैथ्स अपनी सही कर लें। यहां पर अब क्या चाह रहे, क्या ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, नीदर है। ये वैसे ही पिछला वाला क्वेश्चन बन गया। यहां पर ये पॉजिटिव है, ये जीरो है। अच्छा, किसी ने ये सवाल भी किया कि ये बेचारा जो 9 है पॉजिटिव है तो कोई असर नहीं डालेगा, नेगेटिव है तो टेबल उलट देगा। ठीक है, ये जीरो है, 1 ऐड करके पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव था, 1 ऐड करके फिर से पॉजिटिव बन गया। इन अदर वर्ड्स, चूंकि एफ प्राइम एक्स पॉजिटिव है, देयरफॉर जो ओरिजिनल फंक्शन है दैट इज इंक्रीजिंग। अगला, ये वाले पे जरा सा मैं एम्फेसिस करता हूं क्योंकि ये उन जैसा नहीं है, उससे जरा सा डिफरेंट है, शक्ल भी डिफरेंट है, हरकतें भी डिफरेंट है। यहां पे एफ एक्स जो है, दैट इज x + 1 raised to power of -1 + x + 1 raised to power of -2, और जो इसका डोमेन है x इज ग्रेटर देन माइनस वन, इक्वालिटी नहीं है डोमेन में। अच्छा, इक्वालिटी क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता, -1 + 1 इज जीरो, दोनों हिस्सों में जीरो आता, फंक्शन अनडिफाइंड पे अनडिफाइंड हो जाता। अब यहां पे f प्राइम करते हैं, f प्राइम x, -1 कॉमन, x + 1 - 2, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट ऑब्वियस है, 1 है, फिर भी मैं लिखूंगा यहां पे -2 x + 1 - 3, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट इज 1, दिस इज -1/(x + 1)² and this is -2/(x + 1)³। और सिंप्लीफाई करता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं, 1/(x + 1)² + 2/(x + 1)³। सो फार सो गुड, ऑल ओ लेवल मैथ। अब क्या कह रहे, स्टेट विद अ रीजन वेदर एफ प्राइम एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और नीदर। यहां एक मार्क जरा कम दे रहा है, कम से कम 2 मार्क होने चाहिए, क्योंकि एक मार्क तो हां या ना कहने के, जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं उसमें जहां ये कहता है स्टेट विद रीजन ये है कि नहीं, अगर मैं इंक्रीजिंग लिखूं और वो तुक्का सही लग गया तो उसका 1 मार्क है, और 1 मार्क रीजनिंग के होने चाहिए। अब यहां पर अब आप सोचना पड़ेगा आपको कि ये वाला हिस्सा जो है ये तो वही कहानी हो गई, या तो ये पॉजिटिव है या ये जीरो है। ठीक है, किस वैल्यू के लिए जीरो था,
x equals to negative 1 but not part of domain. Make sense? X is greater than minus 1 है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव तो है ये. इसकी क्या कहानी समझाऊं? यहां पर बाहर क्यूब है, माइनस वन से बड़ा कोई भी डेसिमल वैल्यू होगी तो ये जो अंदर वाली चीज है वो पॉजिटिव का क्यूब होगा. पहले इसको डबल चेक कर ले, वेरीफाई कर ले. मेक सेंस? माइनस वन से बड़ी कोई वैल्यू उठा ले, माइनस हाफ प्लस वन वुड बी हाफ, हाफ का क्यूब वुड बी पॉजिटिव. ऊपर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बीच में पॉजिटिव ही पॉजिटिव. सही है? फिर से सुन लें, ये वाला पॉजिटिव है पी एस ए ई की वजह से, जीरो हो सकता था, किस्मत आपकी अच्छी थी, बच गए बिकॉज दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन. ये वाला माइनस वन से बड़ी हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, बीच में पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज, लेकिन किसने मसला कर दिया? नेगेटिव. देयरफॉर बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन एफ प्राइम एक्स इज नेगेटिव, देयरफॉर एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. फुल कंसेप्चुअल है. मैथ्स आती है, इंग्लिश नहीं आती है, फंसेंगे. इंग्लिश आती है, मैथ्स नहीं आती है, तो फिर तो क्लास भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, लेकिन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है यहां पे. अब आए ये और क्वेश्चन. द फंक्शन एफ इज सच दैट एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टू. सो एफ प्राइम एक्स मैं एक साथ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन. और इसने कहा एक्स इज ग्रेटर देन एन, एन इज एन इंटीजर. अच्छा, इट इज गिवन दैट एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन. अब वो जैसे हमने पढ़ा था ना, वहां लीस्ट पॉसिबल वैल्यू डोमेन रेंज का, उससे मिलता जुलता कुछ है. मैं भी एन को छोड़ देता हूं, मैं अपनी नॉर्मल वर्किंग कर देता हूं. इसने कहा इंक्रीजिंग फंक्शन एफ प्राइम एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो. हमेशा सिंप्लीफाई करके जिंदगी अपनी आसान बनाए. हाँ, इनइक्वालिटी का ख्याल रखिएगा कि अगर कोफिशन ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता और पूरे से आप माइनस से जान छोड़ाते तो इनइक्वालिटी फ्लिप करनी थी. उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स एक्स प्लस वन माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो. छोटा सा आपने स्केच बना लिया, ये एक्स एक्सिस खींचा, ये वाई एक्सिस खींचा. उसके बाद आपको जाना है ग्रेटर देन जीरो पे, इसका मतलब है ये रीजन, ये रीजन. और आपकी लिमिट्स क्या हैं? आपकी लिमिट्स है नेगेटिव वन एंड प्लस थ्री. इसका मतलब है आपका आंसर है एक्स इज ग्रेटर देन थ्री एंड एक्स इज लेसर देन नेगेटिव वन. सही है, पूरा सॉल्व हो गया. अब ऊपर चले जाए, एक्स इज ग्रेटर देन एन, तो ये किससे मैच कर रहे हैं? देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एन इज थ्री. इसलिए कि थ्री से जब मैं आगे निकल जाऊंगा तो वो तो उस क्वालिटी में आता ही है, थ्री या थ्री एंड हाफ या फोर, बल्कि इंटीजर की बात कर रहे हैं. वो कह रहे थ्री से आगे तो वो कंडीशन फुलफिल कर ही रहा है, उन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? थ्री. सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल्स टू थ्री. दैट कंप्लीट्स लेक्चर नंबर फाइव ऑफ कौन सा चैप्टर चल रहा है? फंक्शंस. थैंक यू.